हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं एक बार फिर से स्कोर बूस्टर सेशन ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग का स्कोर बूस्टर सेशन है ये, ठीक है, रीजनिंग स्कोर बूस्टर सेशन। और आज जो अपना ये स्कोर बूस्टर सेशन है वो है डे नंबर 7, पार्ट नंबर 7 है स्कोर बूस्टर 7 का। इससे पहले 6 पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई वांट यू ऑल टू प्लीज लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स। एंड फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी क्लास आज की। और पहली क्लास मतलब पहला जो क्वेश्चन आपके सामने सिलोजिज्म का है, देखते हैं क्या बनेगा। केवल कुछ ही सी आर है, ओके, केवल कुछ ही आर एल है, ओके, और कोई भी एल एस नहीं है, कोई भी एल एस नहीं है। सारे आर एस हो सकते हैं क्या? देखो सारे आर एस नहीं हो सकते, क्योंकि सारे आर जाएंगे तो सी भी जिद करेगा और सी की एस से एंट्री मना है, तो ये गलत बोल रहा है। सारे आर कभी भी एल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सारे आर एल हो गए तो आपका जो स्टेटमेंट था कि केवल कुछ ही आर एल है, वो वाली बात बिगड़ जाएगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, फ्यू एच आर एम। फ्यू एच आर एम का मतलब हो गया कि सम एच आर एम, फिर ईच आर इज एम। ईच का मतलब होता है ऑल, याद रखना, तो सारे आर एम में आ जाएंगे। और ओनली अ फ्यू डी आर आर, केवल कुछ ही डी आर है, तो डी का कुछ, केवल कुछ ही डी का संबंध आर से है। सारे डी एम हो सकते हैं क्या? सारे डी एम बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सारे डी आर नहीं हो सकते, लेकिन सारे डी एम तो हो सकते हैं। कुछ एच आर नहीं है, आपसे बोल रहा है कुछ एच आर नहीं है, तो सम नॉट में मैंने बताया ऑल चेक करा करो, क्या सारे एच आर में जा सकते हैं? आप कहोगे सर सारे एच आर में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सम एच आर नॉट आर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल जब ट्रू हो रहा है तो सम नॉट क्या होगा? गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। आगे मूव करते हैं तीसरी पजल पे। ऑल एल आर एस, सारे एल क्या है अपने? सभी एल अपने एस हैं। सम एस आर नॉट आर, कुछ एस क्या नहीं है? आर नहीं है। एंड सम आर इज पी, सम आर क्या है? पी। कंक्लूजन वन, सम एस बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ एस पी हो सकते हैं? देखो एस का, पूरे एस का आर से रिश्ता मना नहीं है, तो एस का और पी का रिश्ता बन सकता है, क्योंकि एस का पी से भी मना नहीं है, तो सम एस कैन बी पी इज अ पॉसिबल थिंग, है ना, ये पॉसिबल हो सकता है। बोल रहा है एटलीस्ट सम एल बींग आर, क्या कुछ एल आर हो सकते हैं? यार सिंपल सी बात है, एल का और एस का पूरा पूरा रिश्ता मना नहीं है आर से, और एल का तो थोड़ा सा भी मना नहीं है, तो एल पूरा भी हो सकता है, याद रखना पूरा भी हो सकता है। तो सम एल बींग आर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। तो आंसर होगा बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन, नो यू इज पी, कोई भी यू पी नहीं है। फिर नो पी इज बी, कोई भी पी बी नहीं है। सम ओ आर बी, सम ओ आर बी, एंड ऑल ओ आर सी, ऑल ओ आर सी, इस तरीके से। कंक्लूजन, सम सी आर नॉट यू, कुछ सी यू नहीं है, सिंपल सी बात है, सम नॉट आएगा, ऑल चेक करो। बोल रहा है कुछ सी नहीं है ना, तो मैंने कहा सारे सी यू में डाल के देख लेता हूं, सारे सी अगर मैं यू में ले जाऊंगा तो कोई रोक लेगा क्या? कोई बात बिगड़ेगी? सारे सी यू में चले गए, अच्छी बात है, सारे ओ भी चले गए, सी और ओ के साथ बी भी आ गया, कोई भी रिश्ता नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि बी का ना तो यू से मना है ना ओ से मना है, सॉरी, बी का रिश्ता ना तो यू से मना है, ना ओ का यू से मना है, ना सी का यू से मना है, मतलब ये तीनों बना सकते हैं रिश्ता। तो सम सी आर नॉट यू क्या हो गया भाई? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सम सारे सी यू में आ सकते हैं। फिर बोल रहा है सम यू आर बी, कुछ यू बी है, देखो यू और बी का दूर दूर तक रिश्ता नहीं दिख रहा, गलत है। नो बी इज यू कह रहा है, कोई भी बी यू नहीं है, मैं डेफिनेटली कैसे कह दू भाई, स्टेटमेंट में तो मुझसे ये बात कही नहीं है बी और यू के बारे में, तो जिसके बारे में कुछ कहा ना हो उसके बारे में हम अपनी राय ना दें तो ही बेहतर है, तो उसके बारे में हम कहते हैं भाई हमें नहीं पता, जो कि हमने गलत कर दिया। अब दूसरे और तीसरे में देखो दोनों गलत है, दोनों के एलिमेंट सेम है और सम और नो का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब आइदर और लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टू और थ्री इज द राइट, आइदर टू और थ्री फॉलोस। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, होमवर्क में है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सिक्स्थ है इनइक्वालिटी का, एक्स ग्रेटर पी लेस देन एक्स बोल रहा है, आप पढ़ेंगे इसको एक्स ग्रेटर पी। एक्स ग्रेटर पी पढ़ने का मतलब क्या हो गया? यहां से एक्स से जाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि यहां तो अपोजिट सिंबल है, तो यहां से चलेंगे, तो पी कहां है? पी ये गया, और कौन कनेक्ट करेगा इनको? एक्स जेड वाई, यहां से तो हो नहीं पाएगा, तो एक्स से जेड पे आए, जेड से एम पे आए, एम से ओ पे आए, और ओ से पी आ जाएंगे, ठीक है। देखो एक्स से जेड पे आए, एक्स की तरफ फेस कर रहा है, फिर जेड से ओ पे आए, जेड की तरफ फेस कर रहा है, कहानी बन रही है, और ओ से पी पे आए, ओ की तरफ फेस कर रहा है, मतलब अच्छी बात है, सारे सिंबल एक्स की तरफ फेस कर रहे हैं, और मिनिमम एक ग्रेटर का साइन मिलना चाहिए, जो कि अपन को यहां पे मिल गया, मतलब पहला वाला कंक्लूजन सही,
वाई ग्रेटर एन, बोल रहा है वाई बड़ा है एन से, वाई गए वाई देखो ये क्या, और कहीं पे वाई है नहीं है, तो यहाँ पे वाई की तरफ अपोजिट सिंबल है, वाई की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो सेकंड गलत, तो आंसर होगा ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है डी ग्रेटर एच, डी ग्रेटर एच यहाँ पे डी देखो सिंबल डी की तरफ फेस नहीं कर रहा है, देखते ही गलत कर दो हटाओ। जे बोल रहा है ई ग्रेटर जे, ई ग्रेटर जे, तो E ग्रेटर J का मतलब क्या हो गया, E अपना ये क्या और J अपना ये क्या, दोनों को कैसे कंबाइन करें, कौन इनको मिलाएगा, राम मिलाए जोड़ी, E से G और फिर G, फिर हमें देखो J तक आने के लिए K और I की जरूरत पड़ेगी, तो E से G पे आए, G से I पे आए, सारे सिंबल E की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे E की तरफ G, E की तरफ कर रहा है ये वाला, और ये कर रहा है G की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट E की तरफ हो गया। अब I से K जाऊंगा, आई से जे जाऊंगा, तो सारे सिंबल आई की तरफ होने चाहिए जो कि कर रहे हैं, मिनिमम एक ग्रेटर का साइन चाहिए जो कि मिल रहा है, तो दूसरा वाला क्या हो गया राइट, तो ऑप्शन नंबर बी ओनली टू इज ट्रू। आठवां क्वेश्चन एम ग्रेटर एच, एम अपना ये गया और एच कहाँ है, एच अपना ये गया, दोनों को कौन मिलाएगा, एच के पास जो लोग है वो है आई और ओ, तो एम से पहले ओ तक आना पड़ेगा तभी मैं ओ से आई तक जा सकता हूं, तो एम से ओ तक आने के लिए एन 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 देखो एल मिलाएगा, लेकिन एम से एल आने में अपोजिट सिंबल आ जाएंगे, तो पहला वाला गलत, के ग्रेटर आई बोल रहे हैं, के ये गया और आई कहाँ है, आई ये गया, के और आई को कौन मिलाने का काम करेगा दोस्त, के और आई को मिलाने का काम करेगा ये ओ और एच में से, तो के से पहले मेरे को आना पड़ेगा के एल एन, अच्छा देखो के से एल पे आओ, एल से ओ पे आओ और ओ से आई पे आओ, रास्ता दूर है लेकिन मिलाना पड़ेगा, के से एल पे गए सारे सिंबल के की तरफ है, एल से ओ पे आए एल की तरफ है, अब ओ से आई जाएंगे तो ओ की तरफ होनी चाहिए बिल्कुल है, और एक बाय डिफॉल्ट हमें यहां पे मिल रहा है ग्रेटर सिंबल, मतलब दूसरा वाला फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली टू इज ट्रू। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने है, नाइन्थ क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा नहीं है स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड, ये थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है, मिसलेनियस टाइप में आता है, इनइक्वालिटी में बोल रहा है कि इन क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा इन चारों में से सिंबल, पांचों में से ऑप्शन आएगा जिससे हमारा ये वाला रिश्ता और ये वाला रिश्ता डेफिनेटली ट्रू होगा, एच ग्रेटर देन इक्वल के और एम ग्रेटर जे। देखो एच ग्रेटर देन इक्वल के बनाने के लिए मेरे को कहीं पे भी ग्रेटर की सिंबल की होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेटर आएगा तो रिश्ता क्या बनेगा, एच ग्रेटर के, तो पहला ऑप्शन गलत है ना, अब पहला ऑप्शन गलत तो सी भी गलत, क्योंकि आपको सारे सिंबल चाहिए एच की तरफ फेस करते हो, तो सी गलत, सी के साथ साथ डी भी गलत, क्योंकि भाई ये वाले सिंबल की जरूरत पड़ेगी नहीं, अब बचता है बी और ई, अब वो बी में मैंने अगर ऐसा रख दिया ग्रेटर देन इक्वल, तो एच ग्रेटर देन इक्वल के तो फॉलो कर जाएगा, ये तो फॉलो कर जाएगा, लेकिन एम ग्रेटर जे, एम ग्रेटर जे फॉलो नहीं करेगा क्योंकि अपोजिट सिंबल आ गए, तो बी भी गलत, अब सारे गलत हो गए, एक ही बचता है अपना, एक ही बचता है, कौन सा बचता है अपना, एक ही सिंबल बचता है, ऑप्शन नंबर ई, बेटे इधर आओ, ऑप्शन नंबर ई बचता है इक्वल, यहां इक्वल रख दो, तो एच से लेके के तक एच ग्रेटर देन इक्वल के और एम से लेके जे तक एम ग्रेटर जे, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ग्रेटर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, मुझे कमेंट करके बताना क्या बनेगा इसका आंसर, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इलेवंथ पे जो कि ब्लड रिलेशन का है, देर आर सेवन मेंबर्स इन अ फैमिली, आपको दे रखा है सारा का सारा इंग्लिश हिंदी में, और इसको फटाफट से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सेवन मेंबर्स है फैमिली में, विद टू कपल्स एंड थ्री जनरेशन, दो कपल है तीन जनरेशन है, ओनली मैरिड कपल्स कैन हैव चिल्ड्रन, मतलब केवल शादीशुदा लोगों के ही बच्चे हो सकते हैं, जो कि अच्छी बात है, जेड इज द फादर ऑफ वी, ठीक है इसको बनाते हैं, जेड पिता है वी का, जेड पिता है वी का, जो कि इस तरीके से बन गया, द सिबलिंग ऑफ डब्ल्यू इज द अंकल ऑफ यू, जो डब्ल्यू का सिबलिंग है, डब्ल्यू का कोई भी एक सिबलिंग होगा वो किसका अंकल है, यू का, तो अगर यू का अंकल है इसका मतलब क्या हो गया कि W जो होगा वो U का पेरेंट होगा, W जो होगा वो U का पेरेंट होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि W का जो सिबलिंग है, ये जो सिबलिंग है ये U का अंकल है, अगर U का अंकल है तो हो सकता है इन दोनों के अलावा कोई और एक इनका सिबलिंग हो उसका चाइल्ड यू हो जाए, तो अभी हम लीस्ट पॉसिबल केस मान के चलेंगे W का चाइल्ड होगा वो U, ठीक है, Y के दो बच्चे और दोनों ही अलग अलग जेंडर के हैं, तो Y के दो बच्चे, ओके Y हैज टू चिल्ड्रन और दोनों ही अलग है, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, मतलब मेल और फीमेल, फिर बोल रहा है फादर इन लॉ ऑफ एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी, एक्स का जो ससुर है, यार कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, एक्स का ससुर मतलब एक्स की किसी शादी होगी जिसका पेरेंट कौन होगा, टी, और ये टी किसका ग्रैंड फादर है, द फादर इन लॉ ऑफ एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी, फादर इन लॉ ऑफ एक्स, सॉरी फादर इन लॉ ऑफ एक्स है ना वो ग्रैंड फादर है टी का, तो बेटा टी तुम यहां क्या कर रहे हो, फादर इन लॉ ऑफ एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी, तो ये जो है ग्रैंड फादर है टी का, मतलब एक जनरेशन दूसरी और तीसरी जनरेशन में जाके टी लगेगा,
टी सबसे नीचे जनरेशन में आएगा, ठीक है। नो कपल हैज मोर देन टू चिल्ड्रन, कोई भी कपल के दो से ज्यादा बच्चे नहीं, और जेड इज मैरिड टू वाई, फाइनली कुछ तो मिला। तो ये वाई और जेड कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से, और वाई हो जाएगी फीमेल, वाई के दो बच्चे हैं प्लस और माइनस। अब दो बच्चे मेरे को यहां पर नजर आ रहे हैं लटके हुए, दो बच्चे ये नजर आ रहे हैं डब्ल्यू और प्लस, है ना। तो मैं एक काम करता हूं कि डब्ल्यू देखो, अगर ये प्लस है, अगर इन डब्ल्यू और प्लस को इन दोनों से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो डब्ल्यू फीमेल बननी चाहिए। अगर डब्ल्यू फीमेल बनेगी तो वी का जो वी का सिबलिंग हो जाएगा वो डब्ल्यू हो जाएगा, और वी हो जाएगा मेल और डब्ल्यू हो जाएगी फीमेल। डब्ल्यू का एक चाइल्ड माना था हमने यू इस तरीके से, है ना। अब आपने बोला है मैरिड कपल के ही चाइल्ड होंगे, तो अगर डब्ल्यू का चाइल्ड यू है तो यू की शादी, डब्ल्यू की शादी किसी से होनी पड़ेगी, और शादी के लिए एक लड़का मतलब ये पर्सन खाली पड़ा एक्स, तो एक्स को यहां जोड़ दो प्लस, मतलब फिट करके देख रहे हैं, अगर बैठ जाएगी कहानी तो अच्छी बात है। अब आपको बोला था कि हर एक कपल के मतलब दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, तो जेड और वाई के दो बच्चे हो गए, दो से ज्यादा नहीं है। अब इन दोनों के दूसरा बच्चा हम करा सकते हैं, क्योंकि अगर आप डब्ल्यू वी का बच्चा कराओगे तो वी की एक वो भी लानी पड़ेगी पत्नी, तो फैमिली में 8 लोग हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये जो टी होगा यू का सिबलिंग हो जाएगा, तो टोटल पर्सन अपने 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग फिक्स हो गए इस तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ यू और टी का जेंडर क्लियर भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन है, फैमिली ट्री है, जेड की वाई से वी डब्ल्यू एक्स और यू टी, हमें यू और टी का जेंडर क्लियर नहीं है। यू और टी में से प्लस माइनस और प्लस माइनस ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब हाउ इज वाई रिलेटेड टू डब्ल्यू। तो वाई जो लग रही है मदर लग रही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, है ना। वाई क्या लग रही है डब्ल्यू की माँ। नेक्स्ट वी क्या लगेगा एक्स का, तो वी एक्स का क्या लगेगा, वी एक्स का लगेगा ब्रदर इन लॉ, है ना, ब्रदर इन लॉ लगेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट टी क्या लगेगा डब्ल्यू का, तो टी के डब्ल्यू से देखूंगा, टी का तो जेंडर क्लियर नहीं है, और जब जेंडर क्लियर नहीं है तो भाई कैन नॉट बी ट्रीटमेंट लगा, तो बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइव मेंबर के जे आई एच एंड जी फ्रॉम द सेम फैमिली आर देयर इन अ कॉफी शॉप, एक कॉफी शॉप में 5 मेंबर है, आई इज द डॉटर ऑफ जे, आई डॉटर है जे की, तो आई डॉटर हो गई जे की, एंड हर सन इज जी। अब ये जो एंड हर लगा है ना, ये एंड लगता है पहले पर्सन के लिए, तो ये एंड हर, हर मतलब आई की बात कर रहा है कि उसका बेटा जी है, आई का बेटा कौन है, जी है, ठीक है। देर आर टू कपल्स इन द गैदरिंग, दो कपल है इस गैदरिंग में, जीज फादर इज सिटिंग नेक्स्ट टू के, जी का जो पिता है, अगर जी का कोई पिता है तो मतलब आई का हस्बैंड होगा वो डेफिनेटली कोई ना कोई, है ना। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, वो आप लोग ढूंढ के लाना पे। तो जी का जो पिता है वो के नेक्स्ट, और के मेल है, अगर के मेल है तो जी का पिता के नेक्स्ट बैठा है, तो मतलब वो के आई का पति तो नहीं हो सकता है ना, के कोई दूसरा ही पर्सन होगा, तो के क्या होगा, के जे के साथ आएगा, शादी होगी। जी नीदर है सिबलिंग, जी का ना तो कोई सिबलिंग है ना मैरिड है, तो इसका मतलब जे और के की शादी हो गई, के मेल है तो के लड़का हो गया, जे फीमेल हो गई, एक पर्सन कौन बचा, के जे आई एच जी, के जे आई एच यहाँ पे आई से शादी कर लेगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन देखते हैं, एच क्या लगेगा फैमिली में, एच क्या लग रहा है, एच लग रहा है आई का हस्बैंड, तो आई का हस्बैंड मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है जी। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बता देना क्या आंसर आएगा। आज मुझे लग रहा है क्वेश्चन बढ़िया ही लेवल के हैं, पजल के भी अच्छे थे, स्कोर बूस्टर के भी बढ़िया ही लेवल है। चलो इसमें देखते हैं क्या बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवंथ लेफ्ट ऑफ द 21st, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेफ्ट दे रखा है, राइट दे रखा है, और एलिमेंट की बात कर रहा है, और यहां पर कोई लेटर सिंबल कुछ भी नहीं बोला है, तो मतलब लॉजिक लग जाएगा प्लस माइनस का। तो लेफ्ट और राइट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, काउंटिंग करते हैं जो लास्ट में दे रखा हो, लास्ट में क्या है राइट, तो 7 और 21 कितना हो गया 28, और काउंट कहां से होगा राइट, तो राइट से 28 देख लो, 3 3 6 3 3 6 2 8 2 10 2 12 14 16 18 20 और 21, 21 पे एम है, 21 22 23 24 25 26 27 एट द रेट आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी एट द रेट इज द राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर बिटवीन यू एंड एम, यू और एम के बीच में कितने नंबर आएंगे, उनका सम क्या है, ठीक है। यू कहाँ है, यू और एम में से कोई मिल रहा है क्या, एम मिल गया, ये एम मिल गया एम यहाँ पे, और यू कहाँ है, यू अपना ये क्या, तो इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनका सम कितना होगा, 3 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 इज द राइट। आगे बढ़ते हैं 18 पे, हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली प्रेसिड बाय सिंबल, ऐसे कितने लेटर हैं जिनके जस्ट पहले सिंबल आना चाहिए, एस वाई एम सिंबल, एंड फॉलोड बाय नंबर, और बाद में आना चाहिए नंबर, सिंबल लेटर नंबर,
तो सिंबल लेटर नंबर पहला पेयर बन गया ये वाला, फिर कहें सिंबल लेटर नंबर एक और पेयर बन गया ये वाला, दो पेयर बन गए हाथ के हाथ। सिंबल के बाद लेटर नहीं हटाओ, सिंबल के बाद लेटर नहीं हटाओ, सिंबल के बाद लेटर नहीं हटा दो, सिंबल लेटर लेकिन नंबर नहीं हटा दो, सिंबल लेटर नंबर नहीं हटाओ, सिंबल लेटर नंबर एक और मिल गया। फिर सिंबल के बाद लेटर है लेकिन नंबर नहीं है, सिंबल के बाद लेटर है नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नहीं हटाओ, तीन पेयर बन रहे केवल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, थ्री। नेक्स्ट 19, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द गिवन सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 18th कौन सा होगा, नंबर काउंट नहीं करना है, शर्त ये है। तो देखो नंबर को हटाने और 18th लेफ्ट, तो लेफ्ट से 18 काउंट करेंगे, एक दो तीन, फाइव मत काउंट करना क्योंकि हटाने के लिए बोला है, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, 18 ही बोला है ना, 18 पे आ रहा है डी और डी आ रहा है तो ए इज द राइट, क्योंकि मैंने नंबर काउंट नहीं करे, नंबर हटाने को बोला था। ये 20th क्वेश्चन होमवर्क में है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। राइट, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, सेशन कैसा लगा कमेंट में बताना और लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लगा हो, और शेयर भी कर देना, और नए हो चैनल पे तो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल सब्सक्रिप्शन टू अवर चैनल एंड नोट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड फ्यूचर वीडियोस। राइट, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, मस्ती के साथ पढ़ते रहो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।